17 फरवरी 1968 का पहले क्लास है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को कहते हैं। ओम शांति। दिस इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 17 फरवरी 1968। द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड टेल्स द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। देखो, हम तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। लुक, आई हैव कम टू मेक ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन इक्वल टू माई सेल्फ। आप समान। कैसा आप समान बनाने आया हूँ? इन वॉट वे हैव आई कम टू मेक यू इक्वल टू माई सेल्फ? तुम सभी बच्चों को बना। ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, वॉट डज इट मीन? कितने बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ? आई हैव कम टू मेक हाउ मेनी चिल्ड्रन इक्वल टू माई सेल्फ? तुम सभी माना कितने? ऑल ऑफ यू मीन्स हाउ मेनी? 4.5 लाख। समवन सेड 4.5 लाख। 4.5 लाख दैट इज 450,000। 4.5 लाख आप समान बनेंगे? विल 4.5 लाख बिकम इक्वल टू माई सेल्फ? तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ, आप समान कैसे बनावेंगे? आई हैव कम टू मेक ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन इक्वल टू माई सेल्फ। हाउ विल ही मेक अस इक्वल टू हिमसेल्फ? वो तो निराकार है। ही इज इनकॉर्पोरियल। और बच्चे तो साकार हैं। एंड द चिल्ड्रन आर कॉर्पोरियल। कहते हैं मैं निराकार हूँ। ही सेज आई एम इनकॉर्पोरियल। तुम बच्चों को भी आप समान अर्थात निराकारी बनाने जीते जी मरना सिखाने आया हूँ। आई हैव कम टू मेक यू चिल्ड्रन एज वेल इक्वल टू माई सेल्फ दैट इज इनकॉर्पोरियल टू टीच यू हाउ टू डाई वाइल बीइंग अलाइव। बाप अपन को आत्मा समझते है ना? द फादर कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ सोल डजंट ही? इस शरीर का भान नहीं है। देर इज नो कॉन्शियसनेस ऑफ दिस बॉडी। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं। इवन बाई लिविंग इन दिस बॉडी ही डज नॉट हैव एनी कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। ये शरीर इनका तो नहीं है। दिस बॉडी इन डीड डज नॉट बिलोंग टू हिम। तो तुम बच्चे भी शरीर का भान निकालो। सो यू चिल्ड्रेन टू रिमूव द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। क्योंकि तुम आत्माओं को मेरे साथ चलना है। बिकॉज यू सोल्स हैव टू गो विद मी। नहीं तो मेरे साथ जा नहीं सकेंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गो विद मी। ये शरीर तो जैसे मैंने लोन लिया है। आई हैव टेकन दिस बॉडी एज इफ ऑन लोन। ऐसे तुम भी समझो कि तुम आत्मा ने ये शरीर लोन लिया है। सिमिलरली यू टू थिंक दैट यू अ सोल हैव टेकन दिस बॉडी ऑन लोन। पार्ट बजाने के लिए। टू प्ले द पार्ट। तुम तो जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। यू हैव बीन टेकिंग ऑन बॉडीज फॉर मेनी बर्थ्स। अभी मैं जैसे जीते जी इसमें हूँ। नाउ इट इज एज इफ आई एम अलाइव इन दिस वन। परंतु हूँ तो न्यारा। बट आई एम सर्टेनली डिटैच्ड। न्यारा। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। लीविंग द बॉडी इज कॉल्ड डाइंग। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। यू टू हैव टू डाई फ्रॉम दिस बॉडी वाइल बीइंग अलाइव। मैं भी आत्मा हूँ। आई टू एम अ सोल। तुम भी आत्मा हो। यू आर अ सोल टू। तुमको भी मेरे साथ चलना है। यू टू हैव टू कम विद मी। या यहाँ ही बैठ जाना है। और डू यू हैव टू सिट हियर इटसेल्फ। तुम्हारा शरीर में जन्म जन्मांतर का ममत्व है। यू हैव एन अटैचमेंट फॉर द बॉडी फॉर मेनी बर्थ्स। परंतु मेरा तो जन्म जन्मांतर का ममत्व है ही नहीं। बट आई डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू द बॉडी फॉर मेनी बर्थ्स एट ऑल। इस एक जन्म में आता हूँ। आई कम इन दिस वन बर्थ। शरीर का लोन लेता हूँ, ममत्व की बात ही नहीं। आई टेक दिस बॉडी ऑन लोन। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट एट ऑल। तो जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपन को अशरीरी समझो।
So, just as I am bodiless, ashariri, you too, consider yourself bodiless while being alive. हमको अभी बाबा के साथ जाना है. Now we have to go with Baba. जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है. Just as this is Baba's old body. हम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है. This body of us souls is old as well. इस पुरानी जूती को छोड़ना है. We have to leave this old shoe, जूती. जैसे मेरा इनमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जूते से ममत्व निकालो. Just as I do not have an attachment to this one, you too, remove the attachment from this old shoe. तुमको तो ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है. You have become habituated to having an attachment. हमको तो आदत नहीं है. But I don't have the habit. मैं तो जीते जी मरा हुआ हूँ. I am dead while being alive. तुमको भी जीते जी मरना है. You too have to die alive. मेरे साथ चलना है तो अब ये प्रैक्टिस करो. If you wish to come with me, then practice this now. शरीर में कितना भान रहता है, बात मत पूछो. There is so much consciousness of the body. Do not ask about it. शरीर रोगी हो जाता है तब भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है. Even when the body becomes diseased, the soul does not leave it. इसमें तो ममत्व निकालना पड़े. We will have to remove the attachment to this body. क्योंकि हमको बाबा के साथ जाना जरूर है. Because we certainly have to go with Baba. अपन को शरीर से न्यारा समझना है. We have to consider ourselves to be detached from the body. इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है. This itself is called dying alive. अपना घर ही याद रहता है. We remember only our home. तुम इस शरीर में जन्म जन्मांतर रहते आए हो तो तुमको ये हेर पड़ जाती है. You have been living in this body for many births. So, you develop this habit. मैं तो इसमें आता ही हूँ temporary. As far as I am concerned, I come in this one temporarily. तो मरकर चलना अर्थात अपन को आत्मा समझ कर चलने से कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रहेगा. So, if you live being dead, that is, if you consider yourself to be a soul while living, you will not have attachment to any bodily being. सभी सेंटर्स पर अक्सर करके किस न किस का किस में मोह हो जाता है. Often at all the centers, someone or the other develops attachment to someone. सबका नहीं हो जाता. Not everyone develops it. लेकिन किस न किस का मोह सभी सेंटर्स पर हो जाता है. But at all the centers, someone or the other develops attachment. फिर उसका रिजल्ट क्या होता है. Then what is its result? बस उसको देखे बिगर रह नहीं सकेंगे. That's it. They will not be able to live without seeing him or her. That is, the ones with whom they develop attachment. ये देहधारी की याद एकदम नीचे गिरा देगी. This remembrance of the bodily being will make them fall down completely. बड़ी ऊंची मंजिल है. The goal is very high. खाते पीते जैसे कि मैं शरीर में हूँ ही नहीं. While eating and drinking, you should feel as if I am not in the body at all. वो अवस्था पक्की करनी है. You have to make that stage firm. तब ही आठ रत्न की माला में जा सकते हैं. Only then can you become a part of the rosary of the eight gems. मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंचे पद मिल सकता है. You certainly cannot attain a high post without working hard. जीते जी देखते हुए समझो. Seeing everything while being alive, think. मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ. I am a resident of that place, that is, the supreme abode. जैसे बाबा इसमें temporarily बैठा है. Just as Baba is sitting temporarily in this one, हम भी इस शरीर में temporarily हूँ. I too am temporarily in this body. हमको भी फिर अभी घर जाना है. I too have to go home now. घर भी प्यारा लगता है, राजाई भी प्यारी लगती है. The home appears to be dear. And the kingship appears to be dear as well. जब तक देह का भान नहीं टूटा है, until the consciousness of the body is gone, तब तक मुक्ति कैसे पावे? How can you achieve mukti, that is liberation? तो इस शरीर का भान एकदम छोड़ दो. So,
लीव द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस बॉडी कम्प्लीटली क्योंकि तुमको मेरे साथ जरूर चलना है बिकॉज यू सर्टेनली हैव टू गो विद मी देवान नहीं छोड़ेंगे तो तू भी चलना है नहीं चलना है वॉट इफ यू डू नॉट लीव द बॉडी कॉन्शियसनेस डू यू हैव टू गो विद द फादर इवन देन डोंट यू हैव टू देवान नहीं छोड़ेंगे तो भी लेकर के जाऊंगा इवन इफ यू डू नॉट लीव द बॉडी कॉन्शियसनेस I will take you along with me. मुक्ति पाने का अर्थ ही है हम इस शरीर को छोड़ अपने घर जावें. The very meaning of achieving mukti is that we should leave this body and go home. तुम बच्चों को तो पता है बाबा आया हुआ है. You children do know that Baba has come. अभी हमको घर ले जाने आए हैं. Now he has come to take us home. तो बाप कहते हैं शरीर से ममत्व छोड़ दो. So the father says. Leave the attachment to the body. अभी हमको घर जाना है. Now we have to go home. सिर्फ बाबा का ममत्व तो नहीं हमको भी इसमें ममत्व तो नहीं रखना है. This Baba does not have attachment to his body. We too should not keep an attachment to it. That is the body. बाप को तो शरीर में बैठना पड़ता है. The father certainly has to sit in the body. बैठना पड़ता है. Has to sit. माने स्वेच्छा से नहीं बैठना चाहते डज इट मीन दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू सिट वॉलेंटरिली क्या मजबूरी है वॉट इज द कंपल्शन तुम बच्चों को वापस घर ले जाना है ही हैज टू टेक यू चिल्ड्रन बैक होम बैठना इसलिए पड़ता है कि तुमको सिखलाना है ही हैज टू सिट बिकॉज ही हैज टू टीच यू कि अशरीरी कैसे बनो हाउ टू बिकम बॉडीलेस चलना तो तुमको भी है यू टू हैव टू कम अलॉन्ग विद मी इसलिए कोई देहधारी में मौत न रहे दैट इज वाई देर शुड नॉट बी एनी अटैचमेंट टू एनी बॉडीली बींग ये फलानी बहुत मीठे स्वभाव की है दिस वन अ वुमन हैज अ वेरी स्वीट नेचर ऐसे ऐसे बुद्धि जाती है ना थिंकिंग इन दिस वे द इंटेलेक्ट गोज टूवर्ड्स हर डजंट इट परंतु आत्मा के बगैर तो शरीर देखने में नहीं आता But instead of soul, they look at the body. बाप कहते हैं तुमको आत्मा को ही देखना है. The father says, you have to see only the souls. शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे. You will entangle yourself by seeing the body. बड़ी मंजिल है. It is a high goal. प्रैक्टिस करना है आत्मा को देखने की. You must practice to see the soul. तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है. Yours is the old attachment of many births. और बाबा का ममत्व नहीं है. And Baba does not have attachment. तब ही बाबा बच्चों को सिखलाने लायक है. Only then is Baba worthy of teaching the children. बाप खुद कहते हैं मैं शरीर में नहीं फंसता हूँ. The father himself says, I do not entangle myself in this body. और तुम तो फंसे हुए हो. And you are certainly entangled in it. अभी तुमको छुड़ाने आया हूँ. Now I have come to liberate you. तुम्हारी 84 जन्म पूरे हुए. Your 84 births are completed. अभी इस शरीर से बांध निकालो. Now remove the consciousness of this body. देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहाँ न कहाँ फंसते रहेंगे. If you do not remain soul conscious, you will keep entangling yourself somewhere or the other. कोई की बात फिर अच्छी लगेगी. तो उसका शरीर भी अच्छा लगेगा इफ यू लाइक समवन्स वर्शंस देन यू लाइक हिज बॉडी एज वेल फिर उनकी घर में भी याद आती रहेगी देन यू विल कीप रिमेम्बरिंग हिम एट होम एज वेल जिस पर प्यार होगा उसकी याद आती रहेगी द मेमोरीज ऑफ द वन हुम यू लव विल कीप कमिंग टू द माइंड फिर हार खा लेंगे देन यू विल सफर डिफीट ऐसे बहुत खराब भी हो पड़ते हैं Many even become spoilt like this. स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझना Leaving the relationship of female and male, consider yourself to be a soul. आत्मा समझते समझते फिर शरीर का भान निकलता जाएगा While you continue to consider yourself a soul, you will go on losing the consciousness of the body. 17 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज द सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड
17th February 1968. बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे. The sins will be destroyed only through the remembrance of the father. देह का भान भी छूटेगा. The consciousness of the body will also be removed. देह का भान छूटने के साथ ही साथ पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी भस्म होते जाएंगे. Along with the removal of the consciousness of the body, the sins of the past births will also continue to be burnt into ashes. इस बात पर तुम बहुत अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो. Think and churn very nicely on this topic. कि कैसे आत्मिक स्थिति में रहने से पाप भस्म होते हैं. How are the sins burnt into ashes by remaining in a soul conscious state? आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाप की भी याद आएगी. If you remain in a soul conscious state, then you will remember the father as well. नहीं रहेंगे देहभान में रहेंगे तो बाप याद आए नहीं सकता. If you remain in body consciousness, then you cannot remember the father. विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे. You will not be able to leap without churning the ocean of thoughts. ये पक्का होगा नहीं हमको बाबा के पास जाना जरूर है. It will not become firm in the thought, we certainly have to go to Baba. मूल बात है ही याद की. The main issue is certainly about remembrance. अभी हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ. Now our cycle of 84 births has completed. अभी फिर शुरू होना है. हमको घर तो जरूर जाना है. Now it has to start again. We certainly have to go home. इस पुरानी देह से ममत्व न मिटाया तो फिर फंस मरेंगे. If we didn't shed the attachment for this old body, then we will become entangled in it. या तो अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में या किसी बाहर के भाई बहन में फंस मरेंगे. We will become entangled either in our own body or in the body of any friend or relative or in any brother or sister from outside. ऐसे भी होता है. It also happens like this. अपनी स्त्री बहुत फर्स्ट क्लास होते हुए भी कोई दूसरी काली से दिल लग जाती है. Despite having a first class wife, somebody falls in love with another dark woman. तो उससे फंस मरते हैं. And then they become entangled in her. इस पर कहावत भी है. There is also a saying on this. दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है. If someone falls in love with a donkey, then what is an angel for him in comparison to it? बाबा तो बहुत अनुभवी है. बाबा इज वेरी एक्सपीरियंस्ड. अभी तो तुमको यहाँ कोई से दिल कदाचित नहीं लगानी है. नाउ यू शुड नॉट एवर गिव योर हार्ट टू एनीवन हियर. अपन को आत्मा समझ बाप से दिल लगानी है. कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल, यू हैव टू गिव योर हार्ट टू द फादर. हम आत्मा भी निराकार बाप भी निराकार. वी सोल्स आर इनकॉर्पोरियल एज वेल एज द फादर इज इनकॉर्पोरियल. आधा कल्प में भक्ति मार्ग में बाप को ही याद करते आए हो ना. यू हैव बीन रिमेम्बरिंग द फादर अलोन इन द पाथ ऑफ डिवोशन फॉर हाफ ए साइकिल, हैवंट यू? परंतु वहाँ जानते नहीं थे. बट ओवर देयर यू डिड नॉट नो. पहचानते नहीं थे. यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द फादर. हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आता था. ऑन सेइंग ओ गॉड हे प्रभु ओनली द शिवलिंग used to emerge in front of you in the mind. परंतु कोई देहधारी को तो प्रभु कह न सके. But no bodily being can be said to be God. सभी शिव के मंदिर में जाते हैं उनको परमात्मा समझते हैं. Everyone goes to the temple of Shiv. They consider him to be the supreme soul, परमात्मा. ऊंचे से ऊंचे भगवान तो एक ही है. The highest on high God is only one. ऊंचे से ऊंचे अर्थात परम धाम में रहने वाला. द हाइएस्ट ऑन हाई मीन्स द वन हु लिव्स इन द सुप्रीम अबोड परम धाम. भक्ति भी पहले अभिविचारी होती है. भक्ति दैट इज डिवोशन इज ऑल्सो इनिशियली अनएडल्ट्रेटेड अव्यभिचारी. फिर व्यभिचारी भक्त बन पड़ते हैं. देन दे बिकम एडल्ट्रेटेड डिवोटीज दैट इज डिवोटीज हु कैरी आउट एडल्ट्रेटेड वर्शिप. तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं तुमको ऊंच पद पाना है. So the father explains to the children again and again, if you wish to achieve a high position,
तो ये निराकारी बनने की प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस बिकमिंग इनकॉर्पोरियल. देह का भान छोड़ दो. लीव द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी. सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना. द सन्यासीज टू रिनाउंस द वाइसेस डोंट दे. आगे तो सन्यासी भी सतो प्रधान थे. अर्लियर द सन्यासीज टू वेर सतो प्रधान दैट इज कंसिस्टिंग मेनली इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्योरिटी. अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े. नाउ दे टू हैव बिकम तमो प्रधान दैट इज डोमिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस. जो सतो प्रधान आत्मा होती है उसकी निशानी क्या होती है. वॉट इज द साइन ऑफ अ सतो प्रधान सोल. सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है. अ सतो प्रधान सोल अट्रैक्ट. क्योंकि आत्मा पवित्र है तो अपवित्र आत्माओं को खींचती है. बिकॉज व्हेन अ सोल इज प्योर इट अट्रैक्ट्स इम्प्योर सोल्स. बल पूर्ण जन्म में आते हैं. ऑल्दो दे टेक रीबर्थ तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं. दे अट्रैक्ट द इम्प्योर वंस बिकॉज ऑफ बीइंग प्योर. कितने उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं. सो मेनी पीपल बिकम देयर फॉलोअर्स. जितनी पवित्रता की ताकत जास्ती होगी. द मोर द पावर ऑफ प्यूरिटी दे पोजेस उतने बहुत फॉलोअर्स बनेंगे. द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल विल बिकम देयर फॉलोअर्स. और ये बाप तो है ही एवर प्योर. एंड दिस फादर इज इंडीड एवर प्योर. फिर देन बाप आते हैं तो एवर प्योरिटी के कारण अनेक क्यों नहीं फॉलोअर बन जाते. When the father comes, why don't numerous people become his followers because of his ever purity? परंतु ये डबल है ना. But this one is double, isn't he? जैसे युग संगम युग है, कलयुग और सतयुग का संगम है. Just as this age is the confluence age, it is the confluence of the iron age and the golden age. ऐसे ही ever pure और एवर इम्प्योर का संगम है. सिमिलरली इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द एवर प्योर एंड द एवर इम्प्योर. डबल है. ही इज डबल. परंतु सारी ताकत किसकी है. बट हुज इज द एंटायर पावर. डबल प्योर की ताकत है या डबल इम्प्योर की ताकत है. इज इट द पावर ऑफ द डबल प्योर और द डबल इम्प्योर. प्योर की ताकत है. इट इज द पावर ऑफ द प्योर वन. इनकी ताकत नहीं है. इट इज नॉट द पावर ऑफ दिस वन. शुरुआत में तुमको उन्होंने कशिश की. इन द बिगिनिंग ही अट्रैक्टेड यू. क्योंकि वो है एवर प्योर है. बिकॉज ही इज एवर प्योर. शुरुआत में कशिश की. ही अट्रैक्टेड यू इन द बिगिनिंग. फिर बीच में कशिश करना बंद कर दिया. देन डिड ही स्टॉप अट्रैक्टिंग यू इन बिटवीन. या प्योर नहीं रहा. और डिड ही नॉट रिमेन प्योर. शुरुआत में ही क्यों कशिश की. वाई डिड ही अट्रैक्ट यू ओनली इन द बिगिनिंग. क्योंकि शुरुआत में पार्ट कुछ और था. इट इज बिकॉज द पार्ट वॉज डिफरेंट इन द बिगिनिंग. और बाद में. एंड वॉट अबाउट द लेटर वन. बाद में पार्ट बदलता गया. लेटर ऑन The part went on changing. कैसे. How? मेरी आत्मा का नाम शिव है. The name of my soul is Shiv. ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है. The name of the point of light alone is Shiv. वो नाम कभी बदलता नहीं. That name never changes. परंतु जब शरीर बदलते हैं. But when he changes the body, तो नाम भी बदल जाता है. The name also changes. और कुछ न कुछ काम भी बदल जाता है. And even the task changes to some extent or the other. तो यज्ञ के आदि में. So in the beginning of the yagya. और फिर मध्य में. And then in the middle. शरीर बदलते रहे या एक ही ब्रह्मा का तन रहा. Did he go on changing bodies or was there only one body of Brahma? बदलते गए. ही वेंट ऑन चेंजिंग द बॉडीज.
अभी तुम जानते हो कि तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे. नाउ यू नो दैट यू डिड नॉट रन आफ्टर दिस वन. इनके आफ्टर हुम? दादा लेखराज ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे. यू डिड नॉट रन आफ्टर दादा लेखराज ब्रह्मा. ये तो कहते हैं मैं तो पतित था. ही इन फैक्ट सेज आई वॉज अ सिंफुल वन. जो गृहस्थी होगा वो जरूर पतित ही होगा. द वन हु इज अ हाउस होल्डर विल डेफिनेटली बी अ सिंफुल वन. सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म यह प्रवृत्ति मार्ग में रहा. मोर देन एनी वन एल्स दिस वन रिमेन्ड इन द पाथ ऑफ हाउस होल्ड फॉर द कम्प्लीट 84 बर्थ्स. तो ये तो खींच नहीं सकता. सो दिस वन कैनॉट अट्रैक्ट एनी वन. बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा है. द फादर सेज आई हैव अट्रैक्टेड यू. तुमको इसकी तो याद भी नहीं आनी चाहिए. यू शुड नॉट इवन रिमेम्बर दिस वन. क्योंकि ये साकार है. बिकॉज दिस वन इज अ कॉर्पोरियल बीइंग. इसकी याद आनी चाहिए. होम शुड यू रिमेम्बर? एवरी वन सेड शिव बाबा. क्या बात, अभी तो यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? वॉट इज दिस? समवन सेड द इनकॉर्पोरियल वन. वॉट इज बींग टॉट हियर नाउ? अभी तो साकार में निराकार को याद करना ये पढ़ाई जा रही है. नाउ इट इज बींग टॉट टू रिमेम्बर द इनकॉर्पोरियल वन इन द कॉर्पोरियल वन. और यहाँ क्या बोला? एंड वॉट वॉज सेड हियर जस्ट नाउ? है? बाप कहते मैंने तुमको खींचा है. द फादर सेज आई हैव अट्रैक्टेड यू. ये कहने वाला कौन? हु इज द वन सेइंग दिस? सुप्रीम सोल निराकार शिव ज्योति बिंदु. द सुप्रीम सोल द इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट शिव. तुमको इस साकार की तो याद भी नहीं आनी चाहिए. यू शुड नॉट इवन रिमेम्बर दिस कॉर्पोरियल बींग. लेकिन साकार यहाँ ब्रैकेट में लिखा है. बट हियर कॉर्पोरियल हैज बीन रिटन विद इन ब्रैकेट्स. इस साकार की बात है. इट इज अबाउट विच कॉर्पोरियल बींग? ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया जब तक. समवन सेड ब्रह्मा. वॉट एवर पुरुषार्थ स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल ब्रह्मा मेड अंटिल ही वॉज अलाइव. तब तक निराकारी बीज रूपी स्टेज नहीं बनी. ही डिड नॉट अचीव द इनकॉर्पोरियल सीड फॉर्म स्टेज. इसलिए बोला इस साकार की याद भी नहीं आनी चाहिए. दैट इज वाई इट वॉज सेड यू शुड नॉट इवन रिमेम्बर दिस कॉर्पोरियल वन. इनका चित्र भी नहीं रखना चाहिए. यू शुड नॉट इवन कीप हिज पिक्चर. बल सन्यासी पवित्र रहते हैं. ऑल्दो द सन्यासी रिमेन प्योर. परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई नहीं होता. देर इज नो वन प्योर लाइक मी. मेरे जैसा लाइक मी? पता कैसे लगेगा? हाउ विल यू कम टू नो? समवन सेड बाय लिविंग इन हिज कंपनी इन कॉर्पोरियल. मेरे जैसा पवित्र कोई सन्यासी नहीं रह सकता. नो सन्यासी कैन रिमेन प्योर लाइक मी. मैं जितना एवर प्योर हूँ उतना पवित्र और मेरे जैसी प्योरिटी और कोई में हो नहीं सकती. कैसे? नोबडी कैन बी एज एवर प्योर एज मी एंड नोबडी कैन हैव द काइंड ऑफ प्योरिटी दैट आई हैव. हाउ? क्या कंपैरिजन है? समवन सेड इन कंपैरिजन. व्हाट इज द कंपैरिजन? समवन सेड इवन इफ ही कम्स इन द कंपनी. यस, यही कंपैरिजन है. और तो संघ के रंग में आकर सब नीचे गिरते हैं. दिस इज द वेरी कंपैरिजन. ऑल द अदर्स एक्सपीरियंस डाउनफॉल आफ्टर बीइंग कलर्ड बाय द कंपनी. परंतु मैं कोई के संघ के रंग में नहीं फंसता हूँ. बट आई डू नॉट एंटेंगल माई सेल्फ इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ एनी वन. वो सन्यासी आज तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं. All those sannyasis etc. narrate the scriptures and so on of the path of devotion. परंतु मैं तो तुमको सभी वेद और शास्त्रों का सार समझाता हूँ. But I do explain to you the essence of all the Vedas and the scriptures.
माना? What does it mean? वो वेदों शास्त्रों के विस्तार में ले जाते हैं. They take you into the expanse of the Vedas and scriptures. पहले वेद निकले. Initially, the Vedas emerged. वेदों की फिर व्याख्याएं हुई. Then, the Vedas were clarified again. तो ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले. So, the Brahmanas emerged. The Aranyakas emerged. फिर व्याख्याएं हुई. Then, they were clarified again. तो विस्तार होता गया ना. So, it underwent expansion, didn't it? उपनिषद निकले. The Upanishads emerged. उनकी भी व्याख्याएं हुई तो पुराण निकले. Then even they were clarified, the Puranas emerged. अभी तो देखो शास्त्रों का कितना विस्तार हो गया. Now look, the scriptures have undergone so much expansion. एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं हो गई. Hundreds of commentaries were made on just the one Gita. तो वो मनुष्य गुरु तो विस्तार में ले जाते हैं. So, those human gurus take us into expansion. और मैं तुमको शास्त्रों का सार सुनाता हूँ. And I narrate to you the essence of the scriptures. चित्र में दिखाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला. It has been shown in the picture, Brahma emerged from the lotus-like navel of Vishnu. फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए. Then the scriptures have been shown in the hands of Brahma. अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते. Well, Vishnu does not narrate the essence of the scriptures through Brahma. ये तो विष्णु को भगवान समझ लेते हैं. They consider Vishnu to be God. बाप समझाते हैं. The father explains. विष्णु कोई ब्रह्मा के मुख नहीं सुनाते हैं. Vishnu does not narrate through the mouth of Brahma. मैं इन द्वारा सुनाता हूँ. I narrate through this one. मैं कोई विष्णु थोड़े ही हूँ. I am not Vishnu. जैसे कृष्ण का उल्टा समझ लिया है. Just as Krishna has been understood in a wrong way. वैसे ही विष्णु का भी उल्टा समझ लिया. Similarly, Vishnu too has been understood in the wrong way. और वो चित्र लगाई दिया है. And that picture has been shown. कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु. There is no comparison between Brahma and Vishnu. क्या फर्क है. What is the difference? है? ब्रह्मा को पूजा. ब्रह्मा पतित को कहा जाता है. The sinful one is called Brahma. और विष्णु पावन को कहा जाता है. And the pure one is called Vishnu. 84 जन्मों के बाद फिर ये संगम होगा. This confluence will happen again after 84 births. कौन सा संगम. Which confluence? पतित ब्रह्मा और पावन विष्णु का संगम होगा. The confluence of the sinful Brahma and the pure Vishnu will happen. ये तो नई नई बातें हैं. These are new things. कितनी wonderful बातें हैं समझाने की. These are so wonderful things to be explained. ऐसा ऐसा चित्र बनाकर कितना मुझाए देते हैं. They prepare such pictures and confuse people so much. इनसे फिर कॉपी भी किया है. Then they have also copied from it. दिखाते हैं गांधी की नाभि से नेहरू निकला. They show that Nehru emerged from the navel of Gandhi. तो अब बाप कहते हैं बच्चे. So now the father says, children. इन देह और देह के संबंधों से जीते जी मरना है. You have to die from this body and the bodily relationships while being alive. बाबा अभी हमको वापस लेने आया है. बाबा हैज नाउ कम टू टेक अस बैक. तो यहाँ सबसे ममत्व हटाना है. सो हियर वी हैव टू रिमूव द अटैचमेंट टू एवरीवन. यहाँ रहते हुए ममत्व मिटाना मेहनत है. इट इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क टू रिमूव अटैचमेंट व्हाइल लिविंग हियर. देखते हुए हम आत्मा को देखते हैं. इफ वी सी द सोल व्हाइल सीइंग एनीबॉडी तो फिर ममत्व नहीं रहेगा. Then there will not be any attachment. इसको कहा जाता है जीते जी मरना. This is called dying while being alive. जीते जी मरना. तुम शरीर में जीते हो ना. You live in the body, don't you? समझते हो हम आत्मा.
यू अंडरस्टैंड वी आर अ सोल। हम बाबा के साथ चले जाएंगे। वी विल गो अलोंग विद बाबा। ये शरीर आदि जो कुछ है कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। दिस बॉडी एक्सेट्रा वट एवर एग्जिस्ट वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग अलोंग। अभी बाप आया हुआ है। नाउ द फादर हैज कम। तो बाप आए हैं तो कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर करेंगे ना। सो व्हेन द फादर हैज कम वी विल ट्रांसफर एटलीस्ट समथिंग टू द न्यू वर्ल्ड वोंट वी। अभी हम अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करते हैं। नाउ वी ट्रांसफर फॉर द न्यू वर्ल्ड एवरीथिंग वी पॉसेस। कोई में भी ममत न रहे। देयर शुड नॉट बी एनी अटैचमेंट टू एनीवन। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स गिव डोनेशंस एंड परफॉर्म नोबल एक्ट्स एक्सेट्रा। दूसरे जन्म में पाने के लिए। टू रिसीव द रिटर्न्स इन द नेक्स्ट बर्थ। तुमको तो इस पुरानी दुनिया में नहीं मिलना है। कहाँ मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव इट इन दिस ओल्ड वर्ल्ड। वेयर विल यू रिसीव इट। नई दुनिया में ट्रांसफर होकर मिलेगा। यू विल रिसीव इट आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द न्यू वर्ल्ड। तुम साक्षी होकर के देखते रहेंगे। यू विल कीप ऑब्जर्विंग इट बीइंग अ डिटैच्ड स्पेक्टेटर। कुछ भी कहने की भी दरकार नहीं है। देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग ईदर। फिर बाप ये भी समझाते हैं। देन द फादर ऑल्सो एक्सप्लेन्स दिस। जो कुछ करते हैं उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। वट एवर यू डू यू शुड नॉट हैव ईगो अबाउट इट ईदर। अरे तुम देते हो या वापस लेने के लिए देते हो। अरे डू यू गिव और डू यू गिव इट टू टेक बैक। कोई बैंक में पैसा जमा करता है। इफ समवन डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक। तो ये अहंकार रहता है कि हमने बैंक को दिया। देन डज ही हैव एन ईगो दैट ही हैज गिवन टू द बैंक। ये भी ईश्वरीय बैंक है। दिस हियर इज ऑल्सो अ बैंक अ गॉडली बैंक। तुम वहाँ जाकर के लेंगे ना। You will take it, that is whatever you have earned, back after going there, won't you? हम आत्मा ये शरीर ही छोड़ करके जाएंगे। We souls will go, leaving this very body. 17 फरवरी सनर्सर की वाणी का तीसरा पेज। The third page of the Vani dated 17th February 1968. और वहाँ जाकर के नई दुनिया में जरा जाकर के बाबा से लेंगे। And after we go there. To the new world, we will take it from Baba. नई दुनिया में बाबा होगा। Will Baba be present in the new world? है? Someone said something. मरने वाले तो बहुत है ना। There are many who are going to die, aren't there? मरने वालों की संख्या ज्यादा है। Is the number of those who are going to die more? या जिंदा रहने वालों की संख्या ज्यादा है। Or is the number of those who are going to remain alive more? फिर नंबर वार आते रहेंगे। Then they will keep coming number wise. Gaya bhi jata hai, Ram gayo, Ravan gayo, jinko bahu parivar. It is even sung. Ram has gone, Ravan who had a big family has also gone. Ravan ka parivar kitna bada hai. Ravan's family is so big. Aur tum to mutthi bharo. And you are just a handful. Ye sari Ravan sampradaya hai. All this is Ravan's community. Aur tumhara Ram sampradaya kitna thoda hai. And your Ram community is so small. कितना है राम संप्रदाय। How big is the Ram's community? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। The Suryavanshis, those who belong to the Sun dynasty, and the Chandravanshis, those who belong to the Moon dynasty. तुम पृथ्वी के सितारे हो ना। You are the stars of the earth, aren't you? माँ बाप और तुम बच्चे। The mother, the father, and you children. तो बार बार बाप बच्चों को समझाते हैं मर्जीवा बनने की कोशिश करो। So the father explains to the children again and again, try to become marjiva, that is to die while being alive. देखा जाता है कोई अच्छी कुमारी वायुवा मापता देखते हैं। It is observed that if they see a nice kumari, that is a young girl or a young mother, तो उनकी देह में ममत्व हो जाता है। Then they develop attachment to their body. अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है। They think, अरे this one is so nice. कितना ललचाई मानी होती है। They become so tempted by her.
दिल में आता है ये तो बहुत मीठा समझाती है। इट कम्स इन योर माइंड, शी एक्सप्लेन्स सो स्वीटली। माया ललचाए देती है ना? माया टेम्प्ट्स देम, डजंट शी? तकदीर में नहीं है तो फिर माया सामने आ जाती है। इफ दे आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ देन माया कम्स इन फ्रंट ऑफ देम। आत्मा को नहीं देखेंगे, दे विल नॉट सी द सोल, देह में फंस मरेंगे। दे विल बिकम एंटेंगल्ड टू द बॉडी। उनको फिर कितना भी समझाओ, देन टू वट एवर एक्सटेंट यू मे एक्सप्लेन टू देम, और ही उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। देयर एंगर विल गो ऑन इंक्रीजिंग ऑल द मोर। ये नहीं समझते हैं, ये हमको देह अभिमान से छोड़ाते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दीज वंस लिबरेट अस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस। तकदीर में नहीं है तो जोर से समझाने से और ही टूट पड़ते हैं। इफ दे आर नॉट फॉर्चुनेट दे ब्रेक अवे इवन मोर व्हेन दे आर एक्सप्लेन्ड विद फोर्स। इसलिए बाप प्यार से चलाते जाते हैं। दैट इज व्हाई द फादर कीप्स सस्टेनिंग देम विद अफेक्शन। कोई की दिल लग जाती है तो फिर बात मत पूछो। इफ समवन फॉल्स इन लव देन जस्ट डू नॉट आस्क। जैसे कि पागल हो जाते हैं। इट इज एज इफ दे बिकम मैड। बस मैं तो फलानी से ही शादी करूंगा। दैट्स इट, दे से आई विल मैरी ओनली दैट पर्टिकुलर वुमन। यहाँ भी आकर के कहते हैं हमको फलानी से शादी कराओ। इवन हियर दे कम एंड दे से गेट मी मैरिड टू दैट पर्टिकुलर वुमन। कहा जाता है चुप होकर के बैठो। दे आर टोल्ड सिट क्वाइटली। नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। अदरवाइज रन अवे फ्रॉम हियर। ऐसे ऐसे भी होते हैं। देर आर सच वंस टू। माया है ना, एकदम बेसमझ बनाई देती है। इट इज माया इजंट इट, इट मेक्स देम कम्प्लीटली स्टूपिड, बेसमझ। इसलिए बाप कहते हैं। दैट इज वाई द फादर सेज कभी भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। यू शुड नेवर एंटेंगल योर सेल्फ इन एनीबडीज नेम एंड फॉर्म। सदैव समझो मैं आत्मा हूँ। ऑलवेज थिंक आई एम अ सोल। एक ही बाप है जो कि देही है। देर इज ओनली द वन फादर हु इज बॉडीलेस। उनसे ही प्यार रखना है। वी मस्ट हैव लव फॉर हिम अलोन। यही मेहनत है। दिस इज द ओनली हार्ड वर्क। बाबा की मुरली तो सभी सेंटर्स पर सुनेंगे। बाबास मुरली कैन बी हर्ड एट ऑल द सेंटर्स। परंतु कोई की भी देह में ममत्व तो न हो। बट वी शुड नॉट हैव अटैचमेंट टू एनीवन्स बॉडी। ऐसे भी नहीं है। इट शुड नॉट इवन बी द केस कि घर में बैठे बैठाए वो ज्ञान देने वाले याद पड़ते रहे। दैट व्हाइल सिटिंग एट होम द गिवर ऑफ नॉलेज कीप्स कमिंग टू द माइंड। ये बहुत मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। दिस वन इज वेरी स्वीट, शी एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली। अरे मीठा तो ज्ञान है ना? अरे इट इज द नॉलेज दैट इज स्वीट इजंट इट। मीठी आत्मा है। द सोल इज स्वीट। शरीर थोड़ा ही मीठा होता है। द बॉडी इज नॉट स्वीट। शरीर तो विनाशी है। द बॉडी इज पेरिशेबल। आत्मा निकल जाए, इफ अ सोल लीव्स, तो शरीर सड़ांध मारेगा। देन द बॉडी विल स्टार्ट गिविंग आउट अ फाउल स्मेल। आत्मा निकल जाती है, इफ अ सोल लीव्स, चलो तमो प्रधान आत्मा भी हो जाती है। ऑल राइट, इवन इफ द सोल बिकम्स तमो प्रधान, तो सड़ांध मारती है क्या? डज इट गिव आउट अ फाउल स्मेल? शरीर और आत्मा, बॉडी एंड सोल, बात करने वाली आत्मा है ना? इट इज द सोल विच स्पीक्स इजंट इट। शरीर पर आशुक नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट फॉल इन लव विद द बॉडी। इसलिए बाबा कहते हैं फोटो आदि भी मत रखो। दैट इज व्हाई बाबा सेज डू नॉट कीप इवन फोटोज एक्सेट्रा। अगर फोटो आदि रखेंगे तो फंस मरेंगे। इफ यू कीप फोटोज एक्सेट्रा यू विल एंटेंगल योर सेल्फ। बाबा को ये बहुत ख्याल आता है। दिस थॉट कम्स इन बाबास माइंड अलॉट। फोटो न रखें। यू शुड नॉट कीप फोटोज। कोई कहे फोटो नहीं रखेंगे तो समझाएंगे कैसे? इफ समवन आस्क्स इफ वी डू नॉट कीप फोटोज देन हाउ विल वी एक्सप्लेन। समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में चित्र लगाई हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द पिक्चर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द त्रिमूर्ति पिक्चर।
वो ही काफी है। That alone is enough. अलग से फोटो आदि रखने की दरकार नहीं है। There is no need to keep photos etc. separately. किसका भी फोटो नहीं रखना चाहिए। Nobody's photo should be kept. ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा का फोटो रखने के लिए मना किया है। We should not think we have been refrained from keeping the photo of Brahma Baba. औरों का फोटो रखने के लिए तो मना नहीं किया है। But we have not been refrained from keeping the photos of others. नहीं, कोई का भी फोटो सिंगल अपने पास नहीं रखना चाहिए। No, we should not keep any single photo of anybody with us. अच्छा, डबल रख ले तो? All right, what if we keep the double photo? अगर इनको याद करेंगे, If you remember these ones, तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। You will not gain anything. शिव बाबा को याद न करके इनको ही याद करते रहेंगे। Instead of remembering शिव बाबा, you will keep remembering only these ones. अच्छा, जिन्होंने ब्रह्मा का चित्र रखा और ब्रह्मा बाबा को साकार में भगवान मान लिया। अच्छा, did those who kept Brahma's photo and considered Brahma Baba to be God in the corporeal form? और उनकी ही याद में रहे। And remained in his remembrance alone. तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। Achieve no attainment. अरे कुछ तो प्राप्ति हुई होगी। अरे they must have achieved at least some attainment. हैं? उनके बच्चे बनेंगे। Someone said they become their children. उनके बच्चे बनेंगे? They will become their children. माना उनके बच्चे बनने से उनको प्राप्ति हो जाती है क्या? Does it mean that they achieve an attainment by becoming his children? यहाँ के संगम युग से कोई भी प्राप्ति नहीं होती। Don't they achieve any attainment from the confluence age here? यहाँ से ही उनको आत्मा को तब प्राप्ति की नूद होती है। From here itself, those souls secure their attainment. जब वो सूक्ष्म शरीर धारण करके कोई के शरीर में पढ़ाई पढ़ते हैं। When they assume subtle bodies and study the knowledge by entering someone's body. बाप से डायरेक्ट पढ़ाई जरूर पढ़नी पड़े। They will certainly have to study the knowledge directly from the father. नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। Otherwise, they will not achieve anything. बल समझते हो ये रथ है। Although they think that this is a chariot. परंतु शिव बाबा को छोड़ करके इस रथ को याद करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। If they leave शिव बाबा and keep remembering just this chariot, then they will not achieve anything. और ही पापात्मा बन पड़ेंगे। They will become a more sinful soul instead. शिव बाबा को छोड़। If they leave शिव बाबा, रथ को याद करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। And keep remembering the chariot, then they will not achieve anything. शिव बाबा को छोड़ अगर फोटो को याद किया, If they leave शिव बाबा and remember the photo, तो समझो और ही गिर पड़ेंगे। Then consider that they will experience a downfall even more. इसलिए कोई भी चित्र नहीं रखना चाहिए। That is why you should not keep any photograph. नहीं तो उसमें फंस मरेंगे। Otherwise, you will be entangled in it. आजकल तो भक्ति मार्ग का बहुत होना है। Nowadays, there is a lot of obsession of Bhakti Marg. Anandamayi Ma. Anandamayi Ma, a mother guru. Bas. Ma ko hi ma ma karte rahenge. That is all. They will keep saying mother, mother to only the mother. Achha. Anandamayi Ma hai, to uska baap kahan hai? All right. If she is Anandamayi Ma, a mother guru, then where is the father? Ma. बाप बिगर कहाँ से आवेगी? How will the mother emerge without the father? वर्षा बाप से मिलता है या माँ से मिलता है? Do we obtain the inheritance from the father or from the mother? माँ को पैसा कहाँ से आवेगा? From where will the mother get money? तुमको तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है। You obtain the inheritance from शिव बाबा himself. उनकी याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। Your sins will be destroyed only through his remembrance. सिर्फ माँ माँ करने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। Not even a little bit of your sins will be destroyed by uttering just mother, mother. फिर?
भक्ति मार्ग में तो कितना माँ 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 करके चिल्लाते रहते हैं। देन दे कीप शाउटिंग मदर 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 सो मच इन द पाथ ऑफ भक्ति। तो उनको सुख का शांति का वर्षा नहीं मिलता है क्या? सो डोंट दे ऑब्टेन द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। बाप कहते हैं कोई दूसरे को याद न करो, माँ में कम याद करो। द फादर सेज रिमेम्बर नो वन एल्स, रिमेम्बर मी अलोन। कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। यू शुड नॉट एंटेंगल योर सेल्फ इन एनीबडीज नेम एंड फॉर्म। फंसते रहेंगे तो और ही पाप बनते जाएंगे। इफ यू कीप एंटेंगलिंग योर सेल्फ देन यू विल कीप कमिटिंग मोर सिंस। क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। बिकॉज यू बिकम डिसोबीडियंट टू द फादर। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। मेनी चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन द फादर। बाप समझाते हैं अभी मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। द फादर एक्सप्लेन्स नाउ आई हैव कम टू टेक यू चिल्ड्रन। और जरूर ले जाऊंगा। एंड आई शैल सर्टेनली टेक यू अलोंग विद मी। सिर्फ मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड इफ यू रिमेम्बर मी अलोन। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहे। यू इंडीड केप्ट रिमेम्बरिंग मेनी इन द पाथ ऑफ भक्ति। परंतु बाप बिगर काम कैसे होगा? बट हाउ विल द टास्क बी अकम्प्लिश्ड विदाउट द फादर। बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो। द फादर डज नॉट से रिमेम्बर द मदर। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। द फादर सेज रिमेम्बर मी। पतित पावन मैं हूँ ना। आई एम द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस एंड आई। तुम्हारी माँ थोड़े ही पतित पावन है। योर मदर इज नॉट द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस। तो बाप के डायरेक्शन पर चलो। सो फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द फादर। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते हो। यू टू एक्सप्लेन टू अदर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फादर। तो तुम कोई थोड़े ही पतित पावन ठहरे। सो यू आर नॉट एनी प्यूरिफायर्स ऑफ द सिंफुल वंस। तो याद एक को करना चाहिए। सो यू शुड रिमेम्बर द वन। हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। फॉर अस इट इज वन फादर एंड नो वन एल्स। बाबा मैं आप पर ही बारी जाऊंगा। बाबा आई विल सैक्रिफाइस माई सेल्फ टू यू अलोन। बारी तो जाना शिव बाबा पर ही जाना है। हियर यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ ऑन शिव बाबा अलोन। और सभी की यादें टूट जानी चाहिए। द रिमेम्बरेंस ऑफ एवरी वन एल्स शुड ब्रेक। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते। दे कीप रिमेम्बरिंग मेनी इन द पाथ ऑफ भक्ति। यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, फिर कोई अपनी चलाते हैं। हियर इट इज वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स हाउएवर सम एक्ट ऑन देयर ओन ओपिनियन। फिर मुझे पढ़ते हैं। देन दे बिकम कंफ्यूज्ड। कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें? दे से हाउ शुड वी रिमेम्बर अ पॉइंट। अरे तुमको तो अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। अरे यू डू रिमेम्बर योर सोल। आई एम अ सोल अ पॉइंट डोंट यू। तुम्हारा बाप भी बिंदी है। इवन योर फादर इज अ पॉइंट। बाप से वर्षा मिलता है। यू ऑब्टेन द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। माँ तो फिर देहधारी हो जाती है। द मदर इज एनी वे अ बॉडीली बींग। बाप बीज को कहा जाता है। द फादर इज कॉल्ड द सीड। बीज है निराकार और बाप है द सीड इज इनकॉर्पोरियल एंड द फादर इज समवन सेड कॉर्पोरियल। बाप है निराकार परंतु उसको आधार चाहिए। द फादर इज इनकॉर्पोरियल बट ही रिक्वायर्स अ सपोर्ट। आधार साकार होगा या निराकार होगा? विल अ सपोर्ट बी कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल? आधार होता है साकार। अ सपोर्ट इज कॉर्पोरियल। तो वो ही एक बाप से वर्षा मिलना है। द इनहेरिटेंस इज टू बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम दैट वन फादर। इसलिए और सभी बातों को छोड़ एक से बुद्धि का योग लगाना है। दैट इज वाई यू हैव टू लीव एवरीथिंग एल्स एंड एस्टैब्लिश द कनेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट विद द वन। याद से सब के पाप कटेंगे। एवरीवन सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन। और कोई दूसरे की याद से एक भी पाप नहीं कटेगा। एंड थ्रू द रिमेम्बरेंस ऑफ द अदर्स नॉट इवन अ सिंगल सिन विल बी डिस्ट्रॉयड।
और ही चढ़ते जाएंगे। इंस्टेड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इवन मोर। तो बाप को याद करने में मेहनत है। सो देयर इज हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड इन रिमेम्बरिंग द फादर। कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रह सकते। दे से बाबा वी कैन नॉट रिमेन इन योग। अरे तुम तो महामूर्ख हो। बाबा सेज अरे यू आर अ ग्रेट फूल। बाप की याद में नहीं रह सकते। कांट यू रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। 1762 की वाणी का चौथा पेज। द फोर्थ पेज ऑफ द वाणी डेटेड 1768। तुम आत्मा अपने बाप को याद नहीं कर सकते हो। कांट यू सोल रिमेम्बर योर फादर। देवान में आकर के कहते हैं कि हम याद नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू कमिंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस यू से वी कैन नॉट रिमेम्बर। आत्मा अभिमानी बने हो तो ये कहने की दरकार ही नहीं कि हम आपको याद नहीं कर सकते। इफ यू हैव बिकम सोल कॉन्शियस देन देर इज नो नीड एट ऑल टू से वी कैन नॉट रिमेम्बर यू। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अ वेरी ब्रॉड इंटेलेक्ट विशाल बुद्धि इज रिक्वायर्ड इन दिस। बुद्धि नहीं होती है तो बेताले हो जाते हैं। इफ यू लैक इंटेलेक्ट देन यू गो आउट ऑफ कंट्रोल बेताला। बाप तो कहते हैं माँ मैं कम याद करूं। द फादर डज से रिमेम्बर मी अलोन। तब ही तुम्हारे पाप कटेंगे। ओनली देन विल योर सिंस बी डिस्ट्रॉयड। देहधारियों को याद करने से तुम पतित बने हो। यू हैव बिकम सिनफुल बाय रिमेम्बरिंग द बॉडीली बींग्स। अभी अपन को देही समझो। नाउ कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल देही। देही के बाप को याद करो। रिमेम्बर द फादर ऑफ द सोल्स। कई मम्मा बाबा के फोटो लेते हैं। मैनी टेक फोटोज ऑफ मम्मा बाबा। मैं कह देता हूँ कि तुम गिर पड़ेंगे। आई वॉर्न देम यू विल एक्सपीरियंस डाउनफॉल। शिद्दत करते हैं। इफ दे परसिस्ट ऑन इट। नहीं मानते। इफ दे डू नॉट ओबे द फादर। तो पड़ा खड्डे में। दे फॉल इन अ डिच। घर में भी एक ही शिव बाबा का चित्र हो। इवन एट होम There should be the picture of the one Shiv Baba alone. एक ही शिव बाबा का चित्र हो। Should there be the picture of the one Shiv Baba alone? शिव बाबा का चित्र कैसा होता है? How is Shiv Baba's picture? है? वो तो विचित्र है। Someone said something. He is certainly विचित्र, the one who does not have any picture. बाप तो इतना समझाए फिर भी कह देते हैं मनमना भव। Nonetheless, after explaining this much, the father says, "Man mana bhav, merge your mind in mind." ये बाबा भी गीता ही पढ़ते थे। This Baba too used to read only the Gita. और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। And he used to worship लक्ष्मी नारायण. छोटे पन में कृष्ण की करते थे। In his childhood, he used to worship Krishna. फिर जब बड़ा हुआ तो कृष्ण को छोड़ नारायण की करने लगे। When he grew up, he started worshipping Narayan instead of Krishna. लक्ष्मी का भी चित्र निकाल दिया। He removed the picture of Lakshmi as well. फिर आखिरी नारायण के चित्रों को भी छोड़ दिया। Then ultimately, he left the pictures of Narayan as well. अभी तो शिव बाबा को ही याद करना है। Now, we have to remember Shiv Baba alone. देहधारी को याद करना ही नहीं है। We should not remember the bodily being at all. Shiv Baba to ever pure hai. Shiv Baba is indeed ever pure. Aur ye to pure 84 janm lene wala patit hai. Whereas this one is a sinful one who takes complete 84 births. Wo baap hai ever pure. That father is ever pure. Aur ye hai ever impure. And this one is ever impure. इनकी सारी हिस्ट्री बताई। द कम्प्लीट हिस्ट्री ऑफ दिस वन वॉज नरेटेड। तो अभी बाप कहते हैं सबको वापस जाना है। सो द फादर सेज नाउ एवरी वन हैज टू रिटर्न। इसलिए एक बाप को याद करना है। दैट इज वाई यू मस्ट रिमेम्बर द वन फादर। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बाप बच्चों को कहते हैं हमसे भी जास्ती तुम योग लगा सकते हैं। The father tells the children, "You can remain in yoga, a connection, even more than me." बाबा के पास तो बड़े ही मामले रहते हैं।
बाबा हिमसेल्फ हैज मेनी केसेस टू लुक आफ्टर। कितने सेंटर से पत्र आते हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं। सो मेनी लेटर्स अराइव फ्रॉम सो मेनी सेंटर्स, देर आर न्यूमरस चिल्ड्रन। कब किस सेंटर से, कब किस सेंटर से ऊंचे नीचे समाचार आते रहते हैं। गुड एंड बैड न्यूज कीप कमिंग, समटाइम्स फ्रॉम वन सेंटर एंड समटाइम्स फ्रॉम अनदर सेंटर। समाचार आता है ब्राह्मणी भी कहीं फंस मरी। न्यूज कम्स दैट इवन अ ब्राह्मणी एंटैंगल्ड हरसेल्फ समवेयर। माया बड़ी जबरदस्त है। माया इज वेरी पावरफुल। एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। दे फॉल इनटू द गटर ऑफ वाइसेस कम्प्लीटली। इन सभी बातों का ख्याल तो बाबा को रहता है। इट इज बाबा हु थिंक्स अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो बड़ी मेहनत लगती है। सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सब प्रकार के समाचार बाबा के पास आते हैं। ऑल काइंड ऑफ न्यूज कम टू बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गो चली जाने। दैट इज वाई बाबा सेज गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। ओनली द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन नोज द रियलिटी। इतने पत्र पढ़ना, उनका जवाब देना, कितना ख्यालात रहते हैं। रीडिंग सो मेनी लेटर्स रिप्लाइंग टू देम, देर आर सो मेनी वरीज फॉर हिम। बात मत पूछो। डोंट आस्क अबाउट इट। इसलिए बाप कहते तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। दैट इज वाई द फादर सेज यू चिल्ड्रन आर वेरी फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली। बाप रूहानी बच्चों को ही समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स ओनली टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये तो पक्का निश्चय है, जो कल पहले हुआ था वो ही होने का है। इट इज वेरी सर्टेन दैट वॉट एवर हैपन्ड इन द लास्ट साइकिल द सेम हैज टू हैपन अगेन। फिर भी गुटके तो आते हैं ना। इवन सो वी आर डिफीटेड aren't we? अभी अगर घुटके ना आए, इफ वी आर नॉट डिफीटेड नाउ, तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। देन वी वुड अचीव द कर्मातीत स्टेज। अभी ही घर चले जावे। वी कैन गो होम राइट नाउ। बहुत घुटके खाने पड़ते हैं। वी हैव टू सफर अ लॉट ऑफ डिफीट्स। फिर भी कह देते हैं ड्रामा मेनूद है। इवन सो ही दैट इज बाबा सेज दिस इज प्री डिटरमिंड इन द ड्रामा। ऐसे कह करके ठंडा कर देता हूँ। आई पैसिफाई देम सेइंग दीज वर्ड्स। हिटपिट तो बहुत होती है ना। मेनी क्वारल्स टेक प्लेस डोंट दे। कभी किसको तंग नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर ट्रबल एनीवन। बाप से वर्षा लेना है तो बाप की पूरी सीमत पर चलना चाहिए। इफ वी हैव टू ऑब्टेन द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर देन वी शुड फॉलो द फादर श्रीमत कम्प्लीटली। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देर शुड बी नो बॉडी कॉन्शियसनेस। कोई कोई में देहभान ऐसा होता है जो बात मत पूछो। सम आर सो बॉडी कॉन्शियस जस्ट डोंट आस्क। हैरान कर देते हैं। दे कॉज सो मच ट्रबल। खुद भी हैरान होते हैं तो लौकिक माँ बाप भी हैरान और पारलौकिक भाई बहनों को भी हैरान कर देते हैं। दे देमसेल्व्स बिकम ट्रबल्ड एंड दे कॉज ट्रबल to the laukik mother and father as well as the parlaukik brothers and sisters. Itna hairan nahi karna chahiye. They should not cause so much trouble. Nahi to bhavishya mein ye kya pad paayenge. Otherwise, what kind of a position will they achieve in the future? Kitna dham chakkar machaye dete hain. They create such uproar. Baap ko to sabko samjhana padta hai. The father has to explain to all. बहुत मीठा गुलगुल खुशमिजाज बनना है। यू हैव टू बिकम वेरी स्वीट लाइक फ्लावर्स एंड ऑफ अ जॉयफुल नेचर। और सभी से प्यार से रहना है। एंड यू हैव टू रिमेन अफेक्शनेट टूवर्ड्स एवरीवन। कहाँ कहाँ तो ब्राह्मणी के नाम रूप में फंस करके नाम बदनाम कर देते हैं। एट सम प्लेसेस दैट इज सेंटर्स दे एंटैंगल देमसेल्व्स इन द नेम एंड फॉर्म ऑफ द ब्राह्मणी एंड स्पॉइल देयर नेम। नाक में दम कर देते हैं। They become so troublesome. ये नहीं समझते हमको एक ही बाप को याद करना है। They do not realize we have to remember the one father alone. नहीं तो ऊंच पद कैसे पावेंगे। Otherwise, how will we achieve a high post? उनके नाम रूप में नहीं फंसना। Baba says, don't entangle yourself in anybody's name and form. फंसते हैं तो सिद्ध हो जाता है इनका फलानी में मोह है। If they entangle themselves, then it proves
दिस वन हैज अटैचमेंट टू दिस पर्टिकुलर वुमन ब्राह्मणी. फिर बुद्धि उधर ही बार बार जाती रहेगी. देन देयर इंटेलेक्ट विल कीप डाइवर्टिंग ओनली इन दैट डायरेक्शन अगेन एंड अगेन. उनको न देखने से जैसे प्राण निकल जाते हैं. दे फील एज इफ दे वुड डाई इफ दे डोंट सी हर. व्यभिचारी बुद्धि बन पड़ती है. देयर इंटेलेक्ट बिकम्स एडल्टरस व्यभिचारी. बड़ी कड़ी मेहनत है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड इन इट. मुश्किल कोई बिरले माला के दाने बनते हैं. हार्डली सम रेयर वंस बिकम अ बीड ऑफ द रोसरी. दाने नहीं बनते हैं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी. इफ दे डू नॉट बिकम अ बीड देन दे विल हैव टू सफर अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स. बाप कहते हैं मेरे को अगर याद नहीं कर दूसरे को याद किया तो व्यभिचारी बन जाएंगे. द फादर सेज इफ यू डू नॉट रिमेम्बर मी एंड इफ यू रिमेम्बर एनीवन एल्स यू विल बिकम एडल्टरस. भक्ति मार्ग में तुम सिर्फ मेरी ही पूजा करते हो. यू वर्शिप मी अलोन इन द पाथ ऑफ भक्ति. उसको आप भी विचारी पूजा कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड अनएडल्ट्रेटेड वर्शिप. अभी तुम भी औरों से बुद्धि योग निकाले एक मुझे बाप को याद करेंगे. नाउ इफ यू टू डिटैच द कनेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड रिमेम्बर मी द वन फादर. तो उनको आप भी विचारी याद कहा जाएगा. देन दैट विल बी कॉल्ड अनएडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस. ऐसा भी विचारी बनने में भी टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम टू बिकम अनएडल्ट्रेटेड लाइक दिस टू. एक बाप के सिवा और कोई भी देहदारी को याद नहीं करना. डोंट रिमेम्बर एनी बॉडीली बींग एक्सेप्ट द वन फादर. एक ही शिव बाबा. जस्ट द वन शिव बाबा. कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं. ही कीप्स एक्सप्लेनिंग सो नाइसली. बाप जो समझाते हैं उन बातों को तो जरूर धारण करना चाहिए. यू शुड सर्टेनली एसिमिलेट वॉट एवर द फादर एक्सप्लेन्स. अच्छा ऐसे बाप के समान बनने वाले बाप का फरमान मानने वाले श्रीमंत पर चलने वाले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. अच्छा रिमेम्बरेंस लव गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू सच चिल्ड्रेन हु बिकम इक्वल टू द फादर ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द फादर एंड फॉलो द श्रीमत. ओम शांति.